18 की बात करते हैं, इसमें अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर इफ द इफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड और ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट 0.1 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 19.6 मीटर से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, तो ये लास्ट का जो है लास्ट के 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 0.1 सेकंड एस ट्रैवल निकालना है, ठीक है, लास्ट 0.1 सेकंड में। अच्छा, इसमें जो है एसेंथ का फॉर्मूला मत लगा देना, एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अगर हम जैसे हमने इसका डेरिवेशन किया था, अगर उसमें याद करो, ये जो डिस्टेंस पर ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर 1 सेकंड होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, पहले हम यहाँ से यहाँ का टाइम ले लेते हैं कि इसको 19.6 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एट स्क्वेयर है, एस कितना दिया हुआ है 19.6 दिया हुआ है, यू कितना है 0 है, हाफ ए कितना दिया हुआ है 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है, ये 19.6 डिवाइड बाई 9.8 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 हो गया, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, ठीक। इसका मतलब है ये बॉडी के यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में, 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। हमें निकालना है कि लास्ट के 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। टोटल जर्नी 2 सेकंड्स की है, अगर ये 0.1 सेकंड छोड़ दें तो बाकी की जर्नी कितने डिस्टेंस में ट्रैवल करनी है, 1.9 सेकंड में डिस्टेंस में ट्रैवल करनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 2 सेकंड में ट्रैवल किया है, लास्ट के 0.1 सेकंड में निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हम अगर ये पता कर लें कि बाकी कितना टाइम बच गया, 1.9 सेकंड हो गया, 1.9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये निकाल लें, ठीक है। तो 1.9 सेकंड में जब बॉडी यहाँ से यहाँ ड्रॉप किया है, तो 1.9 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल इन 1.9 सेकंड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, 1.9 का स्क्वेयर कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.9 सेकंड में आ जाता है 17.689 मीटर के करीब आ जाता है, ये आ जाता है। तो ये 17.6 मीटर है, टोटल 19.6 है, तो वो लास्ट 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना हो जाएगा 19.6 माइनस 17.6 और सो, या 17.68 कर दो, तो ये 1.91 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। सो 1.91 मीटर इज द आंसर, और दैट्स व्हाई, और 1.9 मीटर इज आंसर, सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट ऑप्शन।